गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी आपको मैंने क्लास टू में एसएसटी लेसन 13 को मैंने पढ़ाई थी। हाँ, मेरा चैप्टर नेम है डायरेक्शन एंड टाइम। क्या था मेरा टॉपिक था आज का? डायरेक्शन एंड टाइम। ओके, तो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाई, अब मैं आपको इसका फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ, उसको भी ध्यान से देखिए। फर्स्ट में द सन राइज इन द ईस्ट या वेस्ट, ऑप्शन है आप उसमें ईस्ट में टिक लगाएंगे। और सेकंड क्वेश्चन है वी कैन नो द डायरेक्शन विद द, क्या लिखेंगे, कंपास या नीडल। दो है आप इसका राइट आंसर होगा कंपास, आप कंपास में लगाएंगे। उसके बाद वी गो टू स्कूल एट नाइट एट इन द मॉर्निंग, आप उसमें इन द मॉर्निंग में आप टिक लगाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 वी कैन टेल द टाइम बाय लुकिंग एट द पेंटिंग या शैडो, तो इसमें आप शैडो में मेरा राइट आंसर है, आप उसमें टिक लगाएंगे। ओके स्टूडेंट, आप इसका क्वेश्चन नंबर 3 में जो है इसमें क्वेश्चन आंसर है, इसको मैं आपको बता रही हूँ। आप इसका बी का 1 का आंसर देखिए, क्या कर रहा है क्वेश्चन, व्हाट आर द 4 मेन डायरेक्शन, हाँ 4 मेन डायरेक्शन क्या है इसको लिखिए। आप लिखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ओके, आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिए क्या कर रहा है, इन विच डायरेक्शन डज द नीडल ऑन द कंपास पॉइंट। हाँ, आप डायरेक्शन जो कंपास होता है, कंपास का जो नीडल होता है वह किस दिशा को बताता है, वो बताता है नॉर्थ। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 What time on the day is it when the sun is high up in the sky? What time of the day? हाँ, जब सन हमारे ऊपर होते हैं तो वह टाइम कौन सा होता है? हाँ, तो उसका आंसर क्या होगा, टाइम पूछा है तो आप लिखेगा 12 o'clock। हाँ, वह टाइम जो होता है वो दोपहर होता है। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। ओके बच्चों, बाय।